दोस्तों जेडीयू के मुखिया और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो कि एनडीए अलायंस का फिलहाल हिस्सा हैं, वो आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में एक ही प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब दोस्तों ये कोई बड़ी नेशनल फ्लाइट नहीं जिसे प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जहां पर बहुत सारे लोग टिकट खरीद कर आया जा सकते हैं। ये प्राइवेट जेट है जो बहुत छोटा होता है और यहां जो भी बैठे होते हैं वीआईपीज वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और एक दूसरे से काफी बातचीत कर सकते हैं। न्यूज सोर्सेज में जो इमेजेस इनके दिल्ली जाते हुए इस फ्लाइट से शेयर की गई हैं, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के करीब बैठे हैं। यानी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के दो डिफरेंट नेता एक साथ बैठे हैं, जबकि नीतीश कुमार ने कल से बीजेपी के किसी भी लीडर से मुलाकात नहीं की है, जबकि इनसे कई बड़े बीजेपी के लीडर्स इनके आवास पर मुख्यमंत्री आवास पर बिहार में मिलने के लिए गए भी थे, पर इन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। इन सब चीजों से क्या निकल कर आ रहा है, इन सब चीजों से हमें ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार क्या फिर एक बार पलटी मार सकते हैं। दोस्तों आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग है और एनडीए की मीटिंग्स भी लगातार चल रही हैं। यूं देखा जाए तो किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी में सीट्स नहीं हासिल की है, इसीलिए सत्ता पर कौन काबिज होगा इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए, उसने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन उसमें दो ऐसी पार्टीज शामिल हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से एकदम डिफरेंट वर्क करती हैं। एक आंध्र प्रदेश की टीडीपी जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी आइडियोलॉजी अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी से काफी अलग है। दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार, इन्होंने एक नहीं कई बार बीजेपी का साथ दिया और फिर वापस से तेजस्वी यादव का साथ दिया और इस तरीके से ये बिहार के इतनी ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर ये दो पार्टीज इनसे समर्थन वापस ले लेती हैं तो एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। और ये बात तो सभी को पता है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अवसरवादी कहे जाते हैं, जिस पार्टी का जनता समर्थन कर रही होती है ये भी उसी के साथ हो लेते हैं और इस तरीके से ये लगातार सत्ता में बने रहते हैं भले ही कौन सी पार्टी आए या जाए। इसी को लेकर इन्होंने एनडीए अलायंस भी ज्वाइन किया था, क्योंकि आज से तकरीबन कुछ वक्त पहले इन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि इंडिया की सरकार नहीं बनने वाली है और इसीलिए इन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया ताकि ये सत्तारूढ़ पार्टी का सब बने रहे। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस ने इतनी ज्यादा सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो लड़ाई में वापस आ चुकी है और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। अब दोस्तों फिलहाल जब तक नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए अलायंस में शामिल है तब तक के लिए उन्हें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी बीजेपी को अपने बहुत सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था। 2014 और 2019 में इनकी जो मेजोरिटी से सरकार बनी थी उसमें ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, लेकिन अब इन्हें दूसरे अलायंस के ऊपर डिपेंड रहना होगा और इसीलिए उनसे पूछकर फैसले करने होंगे, क्योंकि अगर कोई भी अलायंस अपना समर्थन लेना वापस शुरू कर देता है तो ये सरकार गिर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे और आखिर अगर उसे छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे क्यों? दोस्तों नीतीश कुमार को एनडीए को छोड़ने की बात लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा पद मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एनडीए की सरकार में ऑलरेडी प्रधानमंत्री पद का बहुत बड़ा चेहरा और दावेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा दूसरे बड़े पद चाहे डिफेंस मिनिस्टर कहो या फिर होम मिनिस्टर कहो, उसके लिए भी बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो उसने अपने किसी भी नेता को किसी पद का दावेदार नहीं घोषित किया है, ना ही प्रधानमंत्री पद का, ना ही दूसरे बड़े मंत्रालयों का। तो ऐसे में वो नीतीश कुमार को किसी बहुत बड़े पद की लालच दे सकते हैं। ऑलरेडी न्यूज में ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद तक ऑफर कर दिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। तो क्या एनडीए नीतीश कुमार को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर करेगा? अगर कर भी देता है तो एनडीए कभी भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं करेगा। और इंडिया अलायंस ये भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया अलायंस पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठा है और सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करेगा और सत्ता में वापस आने के लिए उनके पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी सीट और एनडीए की सीट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और सत्ता में आने के लिए वो नीतीश कुमार को कोई भी पद ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कहना है बहुत से एक्सपर्ट्स का। अगर हम भारत की हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ऐसा ऑलरेडी कर चुकी है, जब एक बहुत कम सीट जीतने वाले नेता को उसने भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था अपना समर्थन देकर। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर को जब प्रधानमंत्री 1990 में नवंबर में बनाया गया था तो उन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया था और उनकी पार्टी जनता दल की
केवल 15 सीट्स ही थी, तो 15 सीट्स जीतने वाले इस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और ये पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कोई भी बड़ी पोस्ट इससे पहले नहीं संभाली थी, यानी ना ही ये इससे पहले चीफ मिनिस्टर हुए थे, ना ही इन्हें कोई और बड़ा पद मिला था। इन्हें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था क्योंकि इनके पास 15 सीट्स थी और वो 15 सीट्स निर्णायक साबित हो सकती थी। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश कुमार का है। आज नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सीट्स हैं और ये 12 सीट्स और साथ में चंद्रबाबू नायडू की और कुछ जो अदर्स हैं, इन सभी की सीट्स को मिलाकर इंडिया अलायंस काफी आसानी से सत्ता में वापसी कर सकता है। और ये 12 सीट्स इतनी ज्यादा निर्णायक हैं कि चाहे इंडिया अलायंस को सरकार बनाना हो, चाहे एनडीए को सरकार बनाना हो, उन सभी को ये सीट्स चाहिए ही चाहिए। अब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इन्हें कोई बहुत ज्यादा बड़ा पद देगी। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद भी अगर ऑफर कर देती है तो हो सकता है बदले में इंडिया अलायंस उससे भी बड़ा पद यानी पीएम का पद इन्हें ऑफर कर दे। क्योंकि जितनी भी बार इंडिया अलायंस से ये पूछा गया है, पत्रकारों ने ये सवाल पूछा है कि आप प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, क्या राहुल गांधी को बनाएंगे या किसी और को, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इंडिया अलायंस से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर विपक्ष में बैठेंगे, यानी क्या आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो भी इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और इन्होंने कहा कि कल हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, उसी के बाद हम आपके इन सवालों का जवाब दे सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये इलेक्शन काफी ज्यादा चौंकाने वाला रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने का काम किया है उत्तर प्रदेश ने, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के थ्रू ही बीजेपी पूरे देश में पॉलिटिक्स करती थी, चाहे वो साउथ इंडिया जाए, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में रहे या कहीं भी जाए, वहाँ पर यूपी का जिक्र जरूर होता था, खास करके अयोध्या का। और अयोध्या में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर समाजवादी पार्टी की यानी इंडिया गठबंधन की सीट बहुत आसानी से निकली। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स में समाजवादी पार्टी की सीट और साथ में इंडिया गठबंधन की सीट निकल जाने से समाजवादी पार्टी लगभग 10 सालों के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने बहुत बड़ा कमबैक कर लिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं और वो अब ये सोच रहे हैं कि हम भी एक नेशनल पार्टी की तरह देखे जाएंगे। और साथ में 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वापसी की उम्मीद उन्हें जग गई है। समाजवादी पार्टी ने टोटल 37 सीटें यूपी में जीत ली हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि समाजवादी बहुत बड़ी नेशनल पार्टी होने के बजाय एक स्टेट की पार्टी गिनी जाती थी, पर इतनी ज्यादा सीट उसने जीत ली कि पूरे इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी ने ही जीती है। लेकिन फिर भी समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव का कंपैरिजन नीतीश कुमार से नहीं किया जा रहा है। जो स्वैग नीतीश कुमार का बन गया है वो समाजवादी पार्टी का नहीं बना है। और ऐसा कोई भी लीडर नहीं है दूसरा जिसको इतने बड़े बड़े पद ऑफर किए जा रहे हैं जितने की नीतीश कुमार को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस हिसाब से नीतीश कुमार को पद ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही है कि वो वापस से इंडिया अलायंस में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।